मर गए। ये अलाउड नहीं है। नो बनाना, करेक्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर टावर के बारे में, जो कि हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में देखा। तो इससे रिलेटिव एक रूमर भी आया है, और इस रूमर के साथ साथ मैं अपनी एक थ्योरी भी बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में टावर को दोबारा से बनते हुए देखा। तो रूमर ये आया है कि ये टावर खरीद लिया है नॉर्मन ऑसबॉर्न ने, और देन इसका सबसे बड़ा प्रूफ है उसका बेटा हैरी ऑसबॉर्न, जो कि पीटर के साथ एक ट्रिप पे आया हुआ है। और देन आप सभी जानते हो कि होमकमिंग में ये टावर टोनी स्टार्क ने किसी को बेच दिया था, बट ये कंफर्म नहीं हुआ था किसको। और नॉर्मन ऑसबॉर्न काफी नफरत करता था टोनी स्टार्क से। अब यहाँ से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। मैंने एक एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी थी स्पाइडरमैन की, जिसमें कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन, जिसमें कि नॉर्मन ऑसबॉर्न स्टार्क इंडस्ट्री और टोनी स्टार्क से काफी ज्यादा नफरत करता था। देन टोनी स्टार्क को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि टोनी स्टार्क अपनी ही पैसों में या अपनी ही शौक में खुश रहता था। पर नॉर्मन ऑसबॉर्न को इस चीज से काफी ज्यादा नफरत थी, क्योंकि स्टार्क इंटर्नशिप और देन स्टार्क के काफी सारे प्रोजेक्ट थे जो कि सबसे हाई लेवल पे जा रहे थे। उनकी टीआरपी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, पर नॉर्मन ऑसबॉर्न बिल्कुल दिन पे दिन घटता जा रहा था। तो इसलिए ये मौका जैसे ही नॉर्मन ऑसबॉर्न को मिला, तो उसने ये टावर खरीद लिया। तो पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने जो टावर देखा, वो 100% एंड में ऑस्कोप टावर बन जाएगा, और हमें सरप्राइज मिलेगा नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो कैसी लगी थ्योरी? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, और रियली में आपको जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।